हाय गाइस, कैसे हो आप? स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले इस वीडियो में फ्री फायर कम्युनिटी की न्यूज के बारे में। मैंने इतने महीनों से अब तक इस चैनल पर यूट्यूब कम्युनिटी की न्यूज अपलोड करी, लेकिन आपको पता है मुझे कोई खास असर दिखाई नहीं दिया, कुछ खास ग्रोथ दिखाई नहीं दी इस चैनल पर। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं इस चैनल पर फ्री फायर कम्युनिटी की न्यूज अपलोड करूंगा। सो आपका इस बारे में क्या कहना है, प्लीज मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। तो भाई चलिए बात करते हैं फर्स्ट न्यूज के बारे में। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे जॉन्टी भाई वर्सेस गेमिंग गर्ल के बारे में। तो भाई कल फ्री फायर ने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था जिसमें सिर्फ यूट्यूबर्स को ही पार्टिसिपेट करना था, एंड जॉन्टी भाई एंड देसी गेमर का एक स्क्वाड था एंड गेमर गर्ल का अलग स्क्वाड था। एंड भाई गेमर गर्ल ने जॉन्टी भाई के मैच में उतरते ही जॉन्टी भाई के 3 मेंबर्स को किल कर दिया उनको कोई भी लूट मिलने से पहले। देन गेमिंग गर्ल के ऊपर जॉन्टी भाई एंग्री हुए और उन्होंने गुस्से में क्या कहा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अरे जॉन्टी भाई, मेरे ऊपर डंडी चलती है क्या? तो साले ऊपर मारने आए थे। अरे छोड़ो ना यार, जिस बंदे ने मेरे को मारा उसके ऊपर डंडी चलती है क्या? या उनको सपना आता है बहन चोद की ऊपर लड़ रहे हैं? छोड़ो ना, छोड़ो, चिल 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 साले स्नाइपर कहीं। सुनो सुनो सुनो, दम नहीं है ना खेलने का, मत खेला करो। और गेमिंग गर्ल तेरी ऐसी की तैसी उड़ जाएगी। छोड़ो 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 भाई, सुनो लड़कियों की आईडी से तो मत खेला करो। औकात नहीं है खेलने का, और तुम कराटो करीना वाले कम से कम ढंग से मैनेजमेंट तो कर लो। सबको लाइव करने के लिए बोला ना भैंस के, यहाँ तब पता चलेगा। लाइव भी तो नहीं कर रहा यार कोई, मार जो आ रहा है। कोई नहीं आ रहा भाई, ये क्यों आएंगे अब? जो भी दिख रहा है मारने चल रहे हैं, गन उठा। सुनो सुनो सुनो, ब्लू जोन वाले को पकड़ने चल रहे हैं जॉन्टी भाई, ठीक है? सारा मूड की माँ बहन को भी सामने चल। अब ब्लू जोन वालों ड्रेसों का प्रमोशन करवाना है बहन, तो ये नहीं दिखता कि बहन चो हो क्या रहा है। बाढ़ में गया पढ़ना प्रोग्राम की मक्खी आंख। कंट्रोल जंडवे कंट्रोल, तू प्रचल तू ऐसे खेलो, अपने हिसाब से खेलो, शांत रहो खेलो। अरे हम इज्जत से खेल रहे हैं तो इज्जत से खेलो ना भाई, कोई वो थोड़ी है इस हिसाब से। तो मैं पहले टीएससी को जाके मारता हर गेम में। चल तूने स्ट्रीम स्नाइप नहीं करी ठीक है, तो तू ऊपर क्या गांड भाई बंद करो, छोड़ो ना जाने तो हो गया टूर्नामेंट खत्म, छोड़ो। चलो जॉन्टी भाई, अब गुस्सा यही निकालोगे, मार के भी निकालोगे? बैंको जिनको स्पोर्ट के बारे में नहीं पता तो उनको खिलाओगे ना, तो यही होगा। चला चला चला, ये गेमिंग गर्ल इसको घंटा खेलना भी नहीं आता है जो मार रही है अभी। रुक भाई, मैं जॉन्टी भाई का माइक ऑफ करता हूं भाई। एंड भाई स्ट्रीम के बाद जॉन्टी भाई को लगा कि उन्होंने बहुत ज्यादा बोल दिया, एंड उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ स्टोरीज डाली जिसमें उन्होंने गेमिंग गर्ल से माफी मांगी। उन्होंने क्या कहा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज आज मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया यार अमित भाई की लाइफ पे, और गेमिंग गर्ल को बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोल दिया, तो उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ। मतलब उस टाइम हीट ऑफ द मोमेंट था और मैं टूर्नामेंट में जैसे मतलब थर्ड मैच तक हम एकदम बराबर आ गए थे, और उसके बाद जब ये सब चालू हुआ तो थोड़ा सा गुस्सा आया एंड उसमें मैं बोल गया, तो मैं बहुत बहुत सॉरी मांगता हूँ गेमिंग गर्ल आपसे। एंड गाइज प्लीज हेट मत फैलाओ, कोई बात नहीं, जो भी हुआ इज जस्ट अ टूर्नामेंट, नेक्स्ट टाइम आएगा हम नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, उससे ज्यादा मेहनत करेंगे और कुछ और अलग स्ट्रेटेजी से आएंगे ताकि ये सब ना हो। बट आज के लिए मैं दिल से सॉरी मांगता हूँ गेमिंग गर्ल, माफ करना, और उसकी टीम पूरी टीम से मैं माफी मांगता हूँ। जिसको भी मैंने कुछ बोला हो मैं कान पकड़ के आपसे सॉरी मांग लेता हूँ, एंड लव यू करीना, एंड ठीक है जो भी हुआ हुआ, बट गाइस प्लीज हेट मत फैलाना, ठीक है, लव यू। ऑल्सो बाय इस अपोलॉजी स्टोरी के बाद गेमिंग गर्ल भी इनके ऊपर रिएक्ट की, उन्होंने रिप्लाई करते हुए क्या कहा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हाय गाइस, यार अब तो आप लोग हेट फैलाना बंद करो, मेरे और जॉन्टी भाई के बीच बात हो चुकी है, वो जस्ट हीट ऑफ द मोमेंट था, उनके मुंह से कुछ भी निकला सॉरी बोल दी है, सब कुछ शॉर्ट आउट हो चुका है। आप लोग प्लीज ये क्लिप उस इधर से निकाल
निकाल के भेजना, ये सब करना प्लीज बंद करो। जिन दो लोगों के बीच बात थी वो सॉल्व हो चुकी है, वो मेरे भाई हैं और वो मेरे को अपनी बहन मानते हैं। ना तो उनके दिल में मेरे लिए कोई निगेटिविटी और ना मेरे दिल में उनके लिए। हम सब लोग यार हंसी खुशी से रहो। और दूसरी बात, आप मेरे को नूब नूब कह रहे हैं, यस आई एम नूब, दैट्स वाई हमारी टीम 11 नंबर पे थी, बस एक मैच अच्छा गया था हम लोगों का, इसीलिए हम नंबर 5th पे आए थे। एंड दूसरी बात, स्ट्रीम स्नाइप यार, हाँ स्ट्रीम स्नाइप अगर होती ना तो यार हम लोग बार बार सामने आमने सामने भिड़ते ना, जस्ट एक मैच में हम आमने सामने भिड़े थे, वो थोड़ा सा ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी उस टाइम, इसीलिए हीट ऑफ द मोमेंट मुंह से कुछ भी अनस्टंट निकल गया था। तो आप उस चीज को ज्यादा लंबा मत खींचो, बात को यहीं खत्म करो और हम लोगों के बीच में कुछ इस कंट्रोवर्सी के बारे में आपका क्या कहना है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो भाई चलिए बात करते हैं ज्ञान गेमिंग वर्सेस बीटू गेमिंग के बारे में। तो भाई ज्ञान गेमिंग ने बीटू को कल अपने लाइव स्ट्रीम पर मजे लेते हुए हैकर कहा। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। क्या खेला बेटा, मैं लव यू, दिल से चुम्मा, सलाम और दुआ और चुतिया, और सॉरी सॉरी वो कट देना यार, वो बीच में गलत से निकल गई। और तुम्हारे दोस्त सारे बहुत बहुत जो भी खेलता है सारे ओपी लंक मैंने कट दे रहा हूँ, टोपी हो जो बीच में कट दे बिट्टू भाई। ओके बस मैं तुमसे बोल देता हूँ बेटा, चलते गुड नाइट, क्योंकि मेरा लास्ट गेम था ऐसे भी, मैं चाहता हूँ। और जो साला हैकर बोलते हो सही बताओ बिट्टू भाई, मैं करा हूँ पूरा दुनिया को हैकर बोलने दो, साला मैं खड़ा हूँ आपके पीछे चेयर लेके, आप जब भी बैठने की जरूरत है मैं चेयर ऐसे 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 मैं कर दूंगा। बिट्टू भाई बैठो, बिट्टू भाई बैठो, बिट्टू भाई बैठो, पानी बोतल कुछ भी चाहिए आपको तो बताओ मुझे यार, कुछ भी चाहिए तो बिट्टू भाई, कुछ नहीं चाहिए आज, ठीक है अच्छे बिट्टू भाई दिखाई नहीं देता आज कल, चलो बाय बाय गुड नाइट, जॉइन द बैटल, ओके सर मेरे को लव यू बाय बाय, शीशु को मैं डायमंड देना पड़ेगा। एंड भाई इसके ऊपर बीटू भी रिप्लाई किए, उन्होंने रिप्लाई करते हुए क्या कहा चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो स्टार्टिंग का वीडियो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा गाइस, तो अब मेरे को कुछ नहीं बोलना उसके अगेंस्ट, अब मैं सिर्फ आपको बात बोलता हूँ मैं। तो ज्ञान भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं से बता दूँ कि ये जो भी बंदा ये वीडियो देख रहा है ना, कि ज्ञान भाई को लाइव में जिस हैकर ने मारा था वो हैकर मैं नहीं था, मतलब मैं हैकर के साथ नहीं खेल रहा था उस वक्त, क्योंकि ये मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ। आप ये देखो स्ट्रीम एंड इतने टाइम पर हुई है और स्ट्रीम स्टार्ट 5 घंटे पहले हुई है, और स्ट्रीम एंड को मतलब स्ट्रीम टोटल चली है 4 घंटे की, लगभग स्ट्रीम एंड हुई है 1 घंटे पहले, समझ रहे हो ना, 1 घंटे पहले स्ट्रीम एंड हुई है। एंड मेरा गेम का हिस्ट्री देख लीजिए आप लोग, 1 घंटे पहले क्या मैं अभी 3 घंटे पहले ये गेम खेला हूँ आखिरी क्लैश स्क्वाड का, एंड 6 घंटे पहले तक का हिस्ट्री देख लीजिए, इससे पता चलता है वो बीटू आईटी मैं नहीं था गाइस, कोई वीडियो एडिट नहीं है, नीचे से मैं सीधा अपना गेम ओपन करके दिखा दिया, वो बीटू आईटी मैं नहीं हूँ जिसने ज्ञान भाई को लाइव में मारा, वो कोई और बंदा है जो मेरा नाम रख के खराब कर रहा है। एंड अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि गाइस मैं आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ब्लास्ट कर दो ब्लास्टर के बेल आइकन को, और ऐसे ही फ्री फायर के अपडेट्स पाने के लिए प्लीज इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।